हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैशन मेकअप एंड मी में। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आज मैं कुछ भी वीडियो रिलेटेड टू फैशन पे नहीं बना रही हूँ, ना ही मेकअप पे, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना रही हूँ फॉर गर्ल्स, वीमेन, लेडीज़। ऐसा टॉपिक है जिसपे सब लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बात करने में, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं पीरियड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आजकल आपको पता ही है कि ज़माना बहुत ही मॉडर्न हो गया है एंड पीरियड्स के बारे में हम लोग खुल के बात करते हैं, बट अभी भी ऐसे है कि लोग हिचकिचाते हैं पीरियड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। उससे मतलब पीरियड्स में हम जो तकलीफ़ होती है या कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब के बारे में डिस्कस करने के लिए ये सब अभी भी लोग, इवन कि शहरों में भी लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं, गायनों के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं। तो मैं उसमें अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम पीरियड्स को लेके हो, हमें खुल के बात करनी चाहिए। मतलब कि अपने कोई भी क्लोज्ड, लाइक आपकी कोई फ्रेंड हो, मम्मी, कोई भी आपकी मदर इन लॉ हो, कोई भी आपको कंफर्टेबल लगे, इवन योर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन डिस्कस। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से बचने के लिए पैड का ही यूज़ करना चाहिए। तो आजकल ज़्यादातर महिलाएं पैड ही यूज़ करती है, बट अभी भी है कि गाँव में अभी भी कपड़ा यूज़ करते हैं, बट अभी उन लोग को भी अवेयर किया जा रहा है। एंड बहुत सारे एनजीओ है जो उधर पे विजिट करते हैं और उनको समझाते हैं कि पैड यूज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े से इन्फेक्शन फैलता है और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इन्फेक्शन के साथ साथ उनको ऐसी जानलेवा बीमारी हो जाती है विच लीड्स टू डेथ। तो ये सब के ऊपर अवेयरनेस करते हैं और ये सब भी समझाते हैं कि जैसे कि आप जब पीरियड्स होता है आप रेस्ट करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि इससे छुआछूत हो जाता है कि आप ये नहीं छू सकते, वो नहीं छू सकते हैं। मतलब हमारे पूर्वज लोग ऐसा रूल्स बनाए हैं क्योंकि ऐसा करने से उस टाइम पे सबको रेस्ट मिलता था। फॉर रेस्ट उन्होंने ये रूल बनाया था कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप उसको छूने से वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो हर गर्ल्स और एवरी बॉय से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये खुल के बात करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने सिस्टर, वाइफ, जो भी हो, मम्मी, सबके साथ खुल के बात करें और इसमें अवेयरनेस बढ़ाए। और इस तरह से हम बहुत सारे, हाँ, लाइक जानलेवा बीमारियों से भी बच सकते हैं। एंड आगे भी जाके अवेयरनेस जितना बढ़ेगा तो उतना ही लाइक हम पीरियड्स को और भी मतलब कि अच्छे तरह से जान पाएंगे। और पीरियड्स के टाइम पे जो भी तकलीफ़ें होती है तो वो कंफर्टेबली हम बता पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए फॉर पीरियड्स, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, बट अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं कुछ आप लोगों को बता पाऊँगी तो आई विल बी मोर देन लाइक हैप्पी। सो आज का वीडियो इतना ही। आगे और भी वीडियोस बनाऊँगी, बट अभी के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।